तो आज आपके लिए लेके आया हूँ Realme C33। दोस्तों ये 9000 रुपए की प्राइस में आपको रियर में डुअल कैमरा मिलेगा, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा। और भाई साहब इसकी डिजाइन देख सकते हो कितनी चमकदार है, कितना कमाल का है। फ्रेम वगैरह दिखने में बिल्कुल आईफोन की तरह देखने को मिलती है। इसकी प्राइस है ओनली 9000 रुपए। इस मोबाइल को अगर आप खरीदने वाले हो या फिर खरीद चुके हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना। रियली दोस्तों ऐसे मजेदार हिडन फीचर्स बताऊंगा जिनको जानने के बाद में आप खुद बोलोगे मजा आ गया। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। इस मोबाइल में डबल टैप करते ही लो कर सकते हो, डबल टैप करते ही ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जाना होगा सेटिंग में, फिर यहाँ पर आपको नीचे आने पर मिलता है स्मार्ट कंट्रोल, जिसको ऑन करके यहाँ पर स्मार्ट वेक ऑन कर देना है जो हमने पहले से ऑन कर रखा है। इसको ऑन करने के बाद में आप डबल टैप करते ही लॉक कर पाओगे, डबल टैप करते ही ऑन कर पाओगे। एक बार आपको फिर से वहीं पर लेकर चलता हूँ सेटिंग में, फिर स्मार्ट कंट्रोल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आने पर मिलता है स्मार्ट मोशन, इसको ऑन कर देना है। फिर यहाँ पर देख सकते हो इजी एंसवर, इसको ऑन करने के बाद में अगर आपको किसी का भी कॉल आता है तो आपको यहाँ पर कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही डायरेक्ट मोबाइल को कान के पास में टच करना है, फिर अपने आप ये आंसर मतलब कॉल उठ जाएगा, अटेंड हो जाएगा। नीचे आने पर मिलता है म्यूट इनकमिंग कॉल, इसको ऑन कर देते हो तो आपका स्मार्टफोन टेबल पर रखा हुआ है और किसी का भी फोन आ रहा है तो आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल को बस उल्टा रखना है और ये मोबाइल साइलेंट म्यूट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ जो आपके डेली काम में आने वाला है। अगर आप मोबाइल को एक हाथ से पकड़कर यूज कर रहे हो फिर नोटिफिकेशन ड्रॉअर नीचे लाना है तो या तो दूसरा हाथ यूज में लेना पड़ता है या फिर इस तरीके से नीचे करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब आप आसानी से नीचे ला सकते हो एक हाथ से मोबाइल को यूज करते हुए। उसके लिए सिंगल टैप करके रखना है, एक सेटिंग ऑन करनी है, होम सेटिंग में जाना है और नीचे मिलता है पुल डाउन एक्शन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको शो नोटिफिकेशन पर कर देना है जो हमने पहले से कर रखा है। आपके स्मार्टफोन में अगर यहाँ पर और कुछ भी ओपन सर्च भी करना चाहते हो तो वहां पर भी कर सकते हो। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज नीचे आ जाएगा। इस मोबाइल को एक हाथ से भी इस तरीके से यूज में ले सकते हो। इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ये नीचे नहीं आए, कोई सर्च बार नीचे आए, जैसे आप कोई भी ऐप वगैरह या फिर कुछ भी सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर ओपन सर्च कर दीजिएगा। आप नीचे करोगे तो यहाँ पर आप डायरेक्टली सर्च बार के अंदर गूगल में चले जाओगे। दोस्तों अगर आपका स्मार्टफोन लॉक है फिर भी यहाँ पर कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी का भी ऐप का मैसेज आता है तो यहाँ से मैसेज पढ़ सकते हो। तो इसका डर ये रहता है कि आपका स्मार्टफोन लॉक है और कहीं पर रखा हुआ है तो कोई दूसरा बंदा आकर मैसेज वगैरह ना पढ़ ले, तो इसके लिए आप यहाँ पर एक सेटिंग ऑन कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ से लॉक को अनलॉक करना है। सिंपली इस तरीके से लॉक अनलॉक करने के बाद में आपको जाना है सेटिंग में। फिर सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर नीचे मिलेगा एप्स एंड नोटिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर नीचे करने के बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कर देना है डू नॉट शो एनी नोटिफिकेशन। अब आपको लॉक स्क्रीन पर किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई भी मैसेज अंदर से बाहर से नहीं पढ़ पाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस मोबाइल में ऐप पिनिंग कैसे की जाती है। सिंपली जैसे ऐप पिनिंग होती क्या है वो भी बता देता हूँ। जैसे आपसे कोई फ्रेंड वगैरह मोबाइल लेता है कि मुझे आपके मोबाइल में कॉलिंग करनी है इस तरीके से, तो आप उसको डायलर तो ओपन करके दे देते हो लेकिन डर बना रहता है कॉलिंग होने के बाद में अगला बंदा बैक आकर अपने मोबाइल में कुछ और डेटा वगैरह कुछ और यूज ना कर ले। तो इसके लिए आप जो भी ऐप देते हो उसको लॉक करके दे सकते हो। सिंपली आपको जाना होगा सबसे पहले सेटिंग में, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर मिलेगी सिक्योरिटी, जिसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हो आपको ऑप्शन मिलता है ऐप पिनिंग का, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर वाला ऑप्शन ऑन कर देना है, फिर ओके कर देना। नीचे वाला ऑप्शन भी अपने आप ऑन हो जाएगा जब आपके स्मार्टफोन पे लॉक लगा रहेगा। इसके बाद में आप बैक आना है और बैक आने के बाद में घर में बच्चे यूट्यूब चलाने के लिए मोबाइल को लेते हैं या फिर कोई फ्रेंड कॉलिंग करने के लिए जो भी ऐप देना चाहते हो उसको लॉक कर सकते हो। सबसे पहले उस ऐप को ओपन करना है, फिर यहाँ पर बैक आकर 3 बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर सिंपली आपको उसको आइकॉन के ऊपर क्लिक करके पिन कर दीजिएगा। अब देख सकते हो ये वाला ऐप पिन हो चुका है। अगर बंदा बैक आने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल भी बैक नहीं आ पाएगा। आपको 3 बटन एंड बैक बटन एक साथ में प्रेस करना होगा। ये प्रेस करने के बाद में आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा, फिर लॉक करके अनलॉक करके ही आप इसमें बैक आ सकते हो। इस तरीके से अगर अगला बंदा भी कोशिश करेगा बैक आने की तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा और सेफ बना रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ऐप पिनिंग कैसे होती है, तो उसके लिए एक कुछ और भी ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे ये नीचे बटन है ये हटाए हुए हैं तो इसमें ऐप पिनिंग काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको बटन लाने पड़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ इस मोबाइल में बटन कैसे हटाया जाता है, क्योंकि इस मोबाइल की डिस्प्ले तो भाई काफी कमाल की है, मतलब फीचर्स वगैरह और डिजाइन भी, लेकिन ये बैक बटन हटाकर बिल्कुल आईफोन की तरह करना चाहते हो तो आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, फिर नीचे आना है।
यहाँ पर मिलता है सिस्टम। उससे पहले मैं आपको बटन की कुछ और भी सेटिंग बता देता हूँ। सिंपली आपको सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है, नेविगेशन बार के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको बटन हटाने का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन बैक बटन अगर लेफ्ट में राइट में करना चाहते हो तो इसको राइट में इस पे क्लिक कर दीजिएगा, बैक बटन इधर आ चुका है। और इसमें एक एडिशनल मोड भी मिलता है, जिससे कि यहाँ पर आपको एक नया बटन मिल जाता है, इसको अगर आप प्रेस करते हो दबाते हो तो यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रॉअर नीचे आ जाता है। तो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ इस मोबाइल में बटन को कैसे हटाया जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पर बैक आना है और नेविगेशन बार के ऊपर मिलता है गेस्चर, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, इसके ऊपर क्लिक करके गेस्चर के ऊपर इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। आप देख सकते हो बटन हट चुके हैं। बैक आना है तो इधर से स्लाइड करना है, बैक आ जाओगे, इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे। फ्रेंड्स अब मैं आपको इस मोबाइल के डिस्प्ले के फीचर्स बता देता हूँ। सिंपली आपको सेटिंग में आना है, डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्शन एडेप्टिव ब्राइटनेस का, इसको ऑन करते हो तो आपको बार बार में ब्राइटनेस कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप धूप के अंदर बाहर जाओगे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस फुल हो जाएगी, अगर अंदर आओगे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अगर आपके ये यूजफुल ना हो तो इसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है। इसके अलावा आप यहाँ से अपने आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे लॉक स्क्रीन और यहाँ पर नीचे आने के बाद में मिलता है डार्क थीम, अगर इस मोबाइल को ज्यादा यूज करते हो तो डार्क थीम को ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा, डिस्प्ले का कलर ब्लैक हो जाएगा और आंखों पर रोशनी कम पड़ेगी, जिससे आप मोबाइल को ज्यादा देर तक यूज कर पाओगे कंफर्ट मोड के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर आपको मैं एक बार इसको ऑन ही रख के दिखा देता हूँ। ये मिलता है नाइट लाइट, इसको ऑन कर देते हो तो डिस्प्ले का कलर और भी इस तरीके से वार्म हो जाता है, जिससे भी आप यहाँ पर नाइट में मोबाइल को आसानी से यूज कर सकते हो। नीचे आने के बाद में कलर एंड कॉन्ट्रास्ट मिलता है, जिसमें आप डिस्प्ले का कलर अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हो। लेकिन नीचे आने के बाद में मैं अब आपको बताने वाला हूँ जैसे इसमें मिलता है ऑटो रिजोल्यूशन, इसको भी ऑन करके करने के बाद में आप काफी अच्छी तरीके से रिजोल्यूशन सेट कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको बैक आना है और मैं एक बार फिर से डार्क थीम को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि आपको और भी फीचर्स वगैरह बताने हैं। तो इसके अंदर आपको नाइट लाइट भी ऑफ करके दिखा देता हूँ। गाइज अगर आप इस मोबाइल में ज्यादा टाइम बैक करते हो तो आप जान सकते हो पूरा दिन मोबाइल में क्या क्या यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, नीचे आना है, इसमें जान सकते हो कि पूरा दिन हमने क्या क्या यूज किया है। ये बता देगा जैसे आज हमने मोबाइल को 5 मिनट यूज किया है, 9 बार अनलॉक किया है और 2 नोटिफिकेशन आए। ऐसी सारी सेटिंग आपको यहाँ पर सब कुछ एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी, पूरे दिन में कौन कौन से एप्स को यूज किया है। फ्रेंड्स इस मोबाइल में आपको मल्टी यूजेबल अकाउंट भी मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपसे कोई फ्रेंड वगैरह मोबाइल लेता है कि मुझे 1 घंटे के लिए तेरा मोबाइल चाहिए, तो आपके मोबाइल में आपका डेटा वगैरह फोटोज वगैरह होती है तो आपको डर रहता है कि भाई मेरा किस तरीके से उसको मोबाइल दूं, और मना भी नहीं कर सकते, तो आप उसको एक सेटिंग ऑन करके दे सकते हो। सिंपली आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर सिस्टम के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपको मिलता है मल्टीपल यूजर, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में मल्टीपल यूजर्स के ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिएगा। ओनर के अंदर आपका डाटा रहेगा, फोटो एप्स वगैरह सब कुछ, और यहाँ पर ऐड गेस्ट कर सकते हो, जिसमें क्या होगा आपका स्मार्टफोन बिल्कुल यहाँ पर स्विच गेस्ट कर देना है, बिल्कुल भाई डाटा वगैरह सब क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल यूं लगेगा जैसे नया स्मार्टफोन ही अभी खरीदा है। तो इसके अंदर आपको देख सकते हो बिल्कुल फॉर्मेट की तरह हो चुका है। और यहाँ पर आपको बैक आना है, बैक आने इस तरीके से आप मोबाइल को सेटअप करना है एक बार के लिए, फिर स्किप कर सकते हो। अब इसके अंदर उसका डेटा कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब वो अपना डेटा में यूज कर सकता है मोबाइल को जितनी देर उसको यूज वगैरह करना होता है। फिर अगर आप चाहते हो कि जब भी उससे मोबाइल वापस ले लो तो यहाँ पर इसी तरीके से आप अपने ओनर के अंदर जाकर स्विच कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आपको जाना होगा सेटिंग में, फिर नीचे स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है, फिर मल्टीपल यूजर के ऊपर क्लिक करने के बाद में ओनर के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर स्विच टू ओनर कर देना है। अब आपका स्मार्टफोन पहले जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन का डेटा सेव कर सकते हो। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि फोटोज वगैरह के अंदर जो मेरी फोटो वगैरह थी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस मोबाइल को आप जहां पर भी टच करते हो तो इस तरीके से साउंड आता है, जैसे कि सिंपली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप चाहते हो कि ये साउंड हमें बंद करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, साउंड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद में मिलता है टच साउंड, इसको बंद कर सकते हो। अगर ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से ऑन भी कर सकते हो। और टच वाइब्रेशन, जहां पर भी टच करते हो तो वाइब्रेट होता है मोबाइल, तो यहाँ से इसको भी बंद कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपको वाइब्रेट फॉर कॉल, जब भी किसी का कॉल आता है तो आप चाहते हो कि मोबाइल वाइब्रेट होना चाहिए तो वाइब्रेट फॉर कॉल्स के अंदर जाकर यहाँ पर वाइब्रेट ऑलवेज वाइब्रेट कर देना है। अब आपको किसी का भी कॉल आएगा तो मोबाइल वाइब्रेट होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर बैक आना है, बैक आने के बाद में आपको मैं बता देता हूँ प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है।
इसके अंदर आपको मिलता है नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। जैसे कि मेरा स्मार्टफोन लॉक है तो यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह दिखाई देते हैं लॉक स्क्रीन में भी अपने व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कोई दूसरा ना पढ़ ले तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन में जाकर डू नॉट शो ऑल नोटिफिकेशन कर देना है। अब आपको नोटिफिकेशन स्टोरी के अंदर कोई भी लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा तो 50 मेगापिक्सल का मिलता है इस प्राइस सेगमेंट में, लेकिन उसमें अच्छी फोटो क्लिक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कैमरा ओपन करना है और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये मिलता है पोर्ट्रेट मोड जिसके अंदर आपको अपर्चर रखना है लगभग 2.0 के ऊपर, फिर यहाँ पर रखकर इसमें फोटो क्लिक कीजिएगा तो इसमें एक नेचुरल वलर वाली फोटो क्लिक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप वीडियोग्राफी वगैरह वीडियो चलाते हो इस मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो के साइज के ऊपर जाकर यहाँ पर कर देना है HD 30 FPS। इस तरीके से आप HD वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपको मोर कैमरा में आना है। मोर के अंदर आने के बाद में अगर आपको प्रो मोड यूज करना आता है तो प्रो मोड में भी अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो। और आप किसी चीज की फोटो क्लिक करते हो और जूमिंग करने पर डिटेल वगैरह पिक्सल्स वगैरह फटते हैं तो आपको इस 50 मेगापिक्सल के कैमरे में फोटो क्लिक करनी है जिसमें जूमिंग करके भी देखोगे तो फोटो वगैरह फटेगी नहीं, काफी अच्छी रिजल्ट के साथ में फोटो डिटेल में क्लिक कर सकते हो। तो गाइज ये थे इस स्मार्टफोन के कमाल दमाल हिडन फीचर्स। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी मजेदार वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। इस मोबाइल के बारे में कुछ और वीडियो आएगी तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।